नमस्कार। तो आज आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक पहले से ही काफ़ी वीक नज़र आ रहा था, पर रिसेंटली आज देखा जाए तो सेलिंग प्रेशर की वजह से और नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले इस स्टॉक के अंदर। क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम की बात की जाए तो स्टॉक को यहाँ पर 180 के ऊपर 200 लेवल के करीबन लगाया था, फिर वहीं से रेजिस्टेंस लेके गिरावट देखने को मिली थी। अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली कोई अपडेट नहीं है, पर आज 167-170 के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। 17 पॉइंट की गिरावट, 9% की गिरावट देखने को मिले। जो तेजी के साथ ऊपर की तरफ मोमेंटम की थी उसी तेजी के तरफ साथ यहाँ पे नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। क्योंकि 180 लेवल को ब्रेक किया, सबसे पहले 200 लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाए तो गिरावट देखने को मिले। नीचे आता है तो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि 155 पे लास्ट टाइम सपोर्ट लेके पुल बैक देखने को मिला था, और वॉल्यूम्स में यहाँ पे काफ़ी कम होते हुए दिखाई दे स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम्स रिकवर होते तो फिर से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है इंडिया बुल्स हाउसिंग के अंदर, और यहाँ पे फिर से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है।